हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे इंडिया में MT4 MT5 के बारे में, जो कि प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है। अगर आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, चाहे MT4 हो या MT5। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली माजरा क्या चल रहा है, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, सारे जो भी यहां पर डिटेल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी के टाइम में जैसा कि आपको सीन पता है, कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज को भी बैन किया गया। आप अगर देखोगे तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमें नोटिस देखने को मिला जहां पे बाइनेंस और बाइनेंस के साथ 9 अदर एक्सचेंज को इंडिया में बैन किया गया। उसके जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से रिमूव हो गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी भी लोग बाइनेंस को यूज कर रहे हैं और साथ में जो अलग अलग एक्सचेंजेस को बैन किया गया था उसको भी यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं अगर हम ये बात करें तो, देखो प्ले स्टोर से रिमूव तो हो चुकी है, लेकिन आप ये समझना कि ये एप्लीकेशन बंद नहीं हुए हैं, प्ले स्टोर से रिमूव हो चुके हैं। अभी इंडिया में ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है फॉरेक्स को लेकर भी, क्रिप्टो को लेकर भी, जहां पर अगर हम समझें तो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ख़त्म करने की एक प्रोसेस चल रही है। और बहुत ही ख़राब लगा कि MT4 MT5 को भी बैन किया गया, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जो कि कोई ब्रोकर नहीं है, जहां पे आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। तो एक तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन इसको भी यहां पर रिमूव कर दिया गया है जस्ट एज फॉरेक्स के नाम से, कि अब ये आप इन एप्लीकेशन में ट्रेड नहीं कर सकते। रिसेंटली कुछ समय पहले एक्सनेस के ऐप को भी प्ले स्टोर से रिमूव किया गया, ओक्टा एफएक्स को भी रिमूव किया गया, और अभी आप देखोगे तो XM ग्लोबल का जो ऐप है उसको भी यहां से रिमूव कर दिया गया है प्ले स्टोर से। तो अभी हम बात करें कि ट्रेडिंग कैसे करना है। तो आपने देखा होगा बाइनेंस में लोग ट्रेड कर रहे हैं, MEXC में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब वहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, या तो उसकी वेबसाइट में जाकर वहाँ पर उसके APK को डाउनलोड कर लिया जा रहा है, या फिर प्ले स्टोर की तरह बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐप्स हैं जहाँ पर ऐप्स अवेलेबल है, तो जैसे कि गैट ऐप्स है, या फिर अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो वीवो स्टोर हो गया, या फिर सैमसंग स्टोर है, तो वहाँ पर आप इन एप्लीकेशन को चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आप इसकी वेबसाइट में जा सकते हो, जस्ट सपोज कि आप एक्सनेस में ट्रेड करते हो तो एक्सनेस की वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पर भी MT4 MT5 का लिंक होता है, तो उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक सेपरेट लिंक होती है, जो कि एक सिक्योर लिंक होती है, तो उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट में जाके आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारे फॉरेक्स में स्कैम भी होते हैं, कुछ बग्स वगैरह होते हैं। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप वेबसाइट में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एक्सनेस यूज कर रहे हो तो एक्सनेस की वेबसाइट में जाके MT4 MT5 आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें तो पूरे का पूरा सीन अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है इंडिया में। अभी हम बात करें कि MT4 MT5 प्ले स्टोर में कब आएगी, तो इसका कोई भी क्लियर जवाब नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो फिर आप इसको चला सकते हो, अभी चल रहा है जिसने भी पहले से इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने का तरीका है कि आप अल्टरनेटिव ऐप्स को चूज कर सकते हो प्ले स्टोर का, या फिर आप वेबसाइट में जा सकते हो एक्सनेस, या फिर जिस भी फॉरेक्स ब्रोकर को यूज करते हो उसकी वेबसाइट में जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो इस MT4 MT5 को बैन करने से ब्रोकर में कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो अगर आपका डाउट है कि एक्सनेस वगैरह में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, फंड बिल्कुल सेफ है। आप इसके वेबसाइट में जाके जो इसकी सर्विसेज वगैरह है, आप इसके लाइसेंस को देख सकते हो। इसका लाइसेंस अलग अलग कंट्री से ली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत सारे कंट्री से एक्सनेस को यूज किया जाता है। तो ब्रोकर में कोई इशू नहीं है, आप एक्सनेस को चला सकते हो। बट MT4 MT5 के लिए आप इसकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करो, या फिर अल्टरनेटिव जो ऐप्स है प्ले स्टोर का उससे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।